आप लोगों का बघेल वंश कर ठाकुर साहब, आप लोग हल्ला मत करियो ठाकुर साहब, अच्छे गौर से ध्यान लगा कर सुनना मालिक साहब। जैसे हमारे जैसे गल्ले मंगनारे भिकारी आते रहते, हमारा बघेल वंश का मैं भिक्षान सुना रही हूँ। अगर ठाकुर जमीन माता अगर धरती माता बदल तुम्हारे मनुष्य नीता पहले कौल देवता काश्यप जी के भय, और ये काश्यप जी राजा भाषव जी के भय, और भाषव जी राजा सोड़ा जी के भय, और सोड़ा जी राजा रुक जी के भय, और रुक जी राजा ब्रह्मा जी के भय। ब्रह्मा जी से दो पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम सावित्री जी थी और ये दूसरी पत्नी का नाम गायत्री जी थी। भगवान ब्रह्मा जी ने इंसान के लिए ये तुम्हारे मनुष्य के लिए चार ही वंश बांटे। आदित्य राजा कर्ण बघेला पैदा हुआ था। आदित्य राजा कर्ण बघेले के दरबार पे अपने फिर चारों भाट बैठे बैठे पोथी पत्रा पढ़ने लगे, ना खाने की पूछी ना पीने की पूछी, और चारों भाटों गलाने चार चार तो गाली बक दे और चार चार धक्का मार दे, इन्हें लेकर शराब दे दे ठाकुर। एक सोने और चांदी का पत्थर बन गया, एक अटारी एक महल था उसके चारों तरफ, घूमने लगे देने लेने के लिए दान करने के लिए। तुम्हारे कछु ना मिलो ठाकुर साहब, अपने सवा किलो का लिया पत्थर, अपने सवा तोले भर की बत्ती लगी जाती अपने 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 निमकार के चारों भाटों के लाने दान में कर दे। आदित्य राजा कर्ण बघेले ने उसके 12 तो पुत्र पैदा भे, ये 7 ही कन्या उत्पन्न भई। आप लोगों की पहली गद्दी और पहला खेरा कहाँ से आएगा? आपका ये नेपाल में तुम्हारे का नाम ये 18 गड़िये बनाई और ये 18 साल तक राज किया। दूसरी गद्दी तुम्हारी यह इंदौर में ये राजा होलकर राजा अहिल्याबाई होलकर ने 255 साल तक राज किया। ये राजा होलकर राजा मल्ला राव ने मल्ला राव की पत्नी का नाम ये तुम्हारे अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में तीसरी स्थापना तुम्हारी ये आलमपुर में मल्ला राव ने एक छतरी बनाना मौजूद किया था राजा मल्ला राव ने। वहाँ से चले चारवी स्थापना ये गढ़ पुष्कर जी में ब्रह्मा जी हीरामन कारस देव बाबा और राजा अजयपाल विजयपाल ने ये तारागढ़ का भी किला बनाया राजा अजयपाल ने। ये राजा अजयपाल तारागढ़ के रहने वाले थे। वहाँ से चले तुम्हारे पांचवी स्थापना, आप लोगों की पांचवी स्थापना ये तुम्हारे गढ़ जूनागढ़ में तुम्हारे 12 गढ़िये बनाई और ये 12 गढ़िये बनाए 12 साल तक राज किया। वहाँ से चले तुम्हारे पुरखा, ये आप लोगों के पुरखा चले जिला गाड़रवारे में, जिला गाड़रवारे में तुम्हारे ये 8 गढ़िये बनाए 8 साल तक राज किया। वहाँ से चले तुम्हारे पुरखा राजा ये तुम्हारे काना से ठाकुर साहब है, जिला महोबा में तुम्हारे महोबा में आलार उदल से लड़ाई लाई थी और राजा अजयपाल राजा ने ये तुम्हारे काना 22 गढ़िये बनाए और 22 साल तक राज किया। इधर तुम्हारे महोबा में ठाकुर ये जिला तुम्हारे बूंदी में राज किया, जिला जयपुर में राज किया, जिला तुम्हारे काना दिल्ली में राज किया, दतिया ग्वालियर में राज किया, गांव नागौर में राज किया। ये तुम्हारे कण गढ़ माड़ो में 15 साल तक राज किया और ये 15 गढ़िये बनाए ठाकुर। ये 36 जाति है मारवाड़, ये मारवाड़ जो ग्रह वर्ष में से निकल कर अजमेरगढ़ में पहुँचे, इधर तुम्हारे 12 राजा आते, इधर तुम्हारे 12 राजा आते, इधर गौरी मुगल बादशाह की सेना हती जो अपने ढूंढ ढाड़ कर कहाँ पहुँचे। एक हिमालय पर्वत पर जाकर मैंने शंकर भगवान की स्थापना करी थी, शंकर जी और गोरा पार्वती आ रहे थे, उन्होंने कहने लगे हाथ जोड़ कर महाराज के हमारे लिए सब जात के लिए हिल्ला बताया और जात के बघेल वंश के लाने कोई हिल्लो नहीं बताओ, तो शंकर भगवान से उन्हें वरदान मांगो। तो गाड़ नाम का भेड़ नाम का छोटा सा उत्पन्न करके दिया था, तो कहा कि बेटा तुम इसका पालन और ये पोषण करना, इसी के बालों के ये वस्त्र ठीक सच के बच के रहना। उसी समय से भेड़ की रक्षा करने वाले ये तुम्हारे ऋषिगढ़ या पाल कहलाए। अगर मेरे पुराण की गलत मानो सागर में देखो, गीता ज्ञान में देखो, अब तुम्हारे 12 राजा के नाम सुनो। पहला राजा रक्षक पाल पैदा हुआ, दूसरा राजा अजय पाल पैदा हुआ, तीसरा राजा मल्लारा होलकर पैदा हुआ, चौथा राजा तुम्हारे ये बागपाल राजा पैदा हुआ, महाराजा चंद्रपाल पैदा हुआ, ये बसंता पाल पैदा हुआ, ये राजा भंडेर पाल राजा पैदा हुआ, आनंद पाल राजा पैदा हुआ, ये राजा बुद्ध पाल पैदा हुआ, ये राजा धन पाल पैदा हुआ, महाराजा चक्रपाल राजा पैदा हुआ,
राजा सूरज पाल पैदा हुआ, ये राजा तुम्हारे तेजपाल सिंह करण सिंह बघेला पैदा हुआ, ये प्रमुख राजा जयपाल विजयपाल ने 1000 साल तक राज किया था। तो शिव जी माना शंकर भगवान, शिव जी माना शंकर भगवान से ये कहने लगे, महाराज के हमारे लिए उतना वरदान दे रहे, लेकिन उतना वरदान में कहाँ तक समारेंगे? तो पहलो वरदान दो तो गाड़र को, और दूसरो वरदान दो तो बकरिया को। तो शंकर भगवान ने अपन के लाने ये दो वरदान दे थे अपन के लाने। मोहनी लौट कर देखा जो छेरी और गाड़रन के मील भर को शंकर भगवान की स्थापना से और शंकर भगवान के वरदान से ये मील भर को टेना लग गया था। इधर से राजा जयपाल की भेड़े और भी तुम्हारे बकरियां चली जा रही। पालंग से सवेरे की टेम में एक अपने एक बिरामनी अपने खेप लेकर पानी की चली आ रही। तो वह घंटा भर देरी से चल रही थी, तो वह घंटा भर से ठाकुर ने एक घंटा भर तो होना ठाड़ी रही, और एक घंटा भर सास के दरबार पर खड़ी रही। तो वह सास के द्वार पर खड़ी रही, तो बाकी सास ने बाकी खेप नहीं उतारी। तो वो ओनी लौट कर राजा के द्वार पर पहुंच गई। तो राजा जयपाल राजा कहने लगे, रानी तुम कहाँ से आए हो? अरे महाराजा मेरी खेप उतार लो। क्यों भाई, तू जात की ब्राह्मणी हैगी और मैं जात का बघेला हैगा, मैं तेरी खेप पानी कैसे उतारूंगा? महाराजा मेरी खेप उतार ले, नहीं तो मैं तेरे लिए वरदान और ये शराब दे रही से पूरी गृहस्थी ये तुम्हारे नष्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ कर राजा ने सोच विचार कर उसकी खेप उतार ली और उसके लाने रख ली थी। ठाकुर साहब, उस राजा के दो पुत्र हते, एक हतो करी को एक हतो ब्यावता को। तो ने कशिया के तुम निखर हो गए और ढह कशिया के आप लोग ढेंगर हो गए। आप लोग हो गए ब्यावता के और बे करी के हो गए। ठाकुर आप लोगों का वहां से तुम्हारी खाप परी थी, वहां से तुम्हारा वंश चला था। ठाकुर तुम्हारे गोत्र सुनो, तुम्हारे 84 गोत्र होते, अकेले वंश में 84 गोत्र का नाम लीजिए। चंदेले गोत होता, महाराजा चंद्रपाल वंश की शाखा। पहला खेरा तो तुम्हारे गढ़ मथुरा से, दूसरा खेरा तुम्हारे गढ़ माड़ो जाके बसाई, तीसरा खेरा जाके बसाओ गांव चंदेरी गांव। एक गांव चंदेले वंश ने था, गोत्र तुम्हारे सुरा वंश ने, एक गोत्र तुम्हारे सुरा वंश ने, महाराजा अजयपाल की वंश की शाखा। पहला खेरा तो नेपाल से, दूसरा खेरा तारागढ़ का किला बनाया राजा सुरा वंश ने, तुम्हारे तारागढ़ से निकले। ठाकुर एक गोत तुम्हारे सुरा वंश ठाकुर ने, एक गोत तुम्हारा अहिर गौतम ने आरोली गांव जाके बसाई, तुम्हारे कहना जिला नागौर से निकले। ठाकुर एक गोत्र तुम्हारे कहना पड़ रिया गोत, एक पाड़ खेरा जाके बसाई, तुम्हारे मथुरा गांव से निकले। ठाकुर गोत्र तुम्हारे ये तुम्हारे कहा, एक गोत हम्बार गोत अपने कहा, ये थामेश्वर गाँव जाके बसाओ अपने, एक गोत तुम्हारे हास गोत अपने हासिल खेरी जाके बसाई अपने, हासिल खेरी से निकले। ठाकुर वो तुम्हारे कछुआ गोत अपने, तुम्हारे जिला महोबा जाके बसाओ, जिला महोबा से निकले। ठाकुर ने ये गोत्र तुम्हारे कहना सागर गोतम, ये सैतोल गांव जाके बसाई, तुम्हारे सैतोल से निकले अपने, ये गोत मौर्या गोतम ने, ये चंद्र कपत वंश की शाखा, ये भी गोत मौर्या वंश तुम्हारे, ये भी तुम्हारे इंदौर से निकले। ठाकुर ये गोत तुम्हारे कहना ठाकुर, ये गोत तुम्हारे दो बेले गोतम ने, महाराजा धोंदूपाल वंश की शाखा, ये गोत तुम्हारे निगोते गोतम, ये गोत तुम्हारे रियार गोतम ने, ये गोत तुम्हारे रियार गोतम ने, ये भी तुम्हारे कहना पाली गाँव जा, जिला पाली गाँव जाके बसाई तुम्हारे, जिला पाली से निकले। ठाकुर ने ये गोत तुम्हारे सपा गोत तुम्हारे, ये बीकानेर गाँव जाके बसाई, ये गोत तुम्हारे मसानिया गोत तुम्हारे, ये तुम्हारे मनासा जाके बसाई, जिला चित्तौड़गढ़ से निकले। ठाकुर ये गोत तुम्हारे ढनौरिया गोत तुम्हारे, धांदोली गाँव जाके बसाई, ये भी मारवाड़ दक्षिण से निकले। ठाकुर ये गोत तुम्हारे कहना से, गोत तुम्हारे रोतेले गोत तुम्हारे, गोत तुम्हारे गुजेले गोत तुम्हारे, गोत तो तुम्हारे 84 गोत है ठाकुर। कम से कम एक लगभग के एक घंटा लगता है, पूरी रामायण बहुत लंबी चौड़ी है। ये तो तुम्हारी तुम माने नहीं से ताशे आपको बखान कर दिया ठाकुर देखा।